नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट वितालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं एनके सिंह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करूंगा कि पढ़ाई लिखाई का कार्य सुचारू रूप से बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा और कहीं से किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं आ रही होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम पर हम बात कर रहे थे पहले लेक्चर में। मैंने इस पाचन तंत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी मूलभूत अवधारणात्मक समझ थी उन सारी बिंदुओं पर हमने बात किया और एक बेस, एक आधार मैंने तैयार किया था, एक ठोस नींव मैंने तैयार किया था इस चैप्टर के लिए। अगर वो आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो निश्चित रूप से ये दूसरा लेक्चर आपको समझने में बहुत ढेर सारी सहायताएं मिलने वाली हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि विज्ञान विषय में मैं आपको एक अच्छी समझ विकसित करा दूं। मेरा प्रयास रहेगा कि लगभग सारी की सारी बात को आपको इसी क्लासरूम में ही याद करवा दूं। मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी संभावित जो भी परीक्षाएं हैं, विशेषकर जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं एसएससी की, उसमें विज्ञान विषय से अगर कोई सवाल आए तो वो क्लास नोट से रहे, मेरे पढ़ाए द्वारा कंटेंट से आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दूसरे एपिसोड की। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत मैंने आपको बता लिया था कि जटिल भोज पदार्थों को सरल भोज पदार्थों में बदलने की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसी को पाचन कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि पाचन की शुरुआत हुई थी कहां से, मुख गुहा से, बक्कल कैविटी से पाचन की शुरुआत हो गई थी। और मैंने आपको यह बता लिया था कि मुख गुहा में दो तरीके से पाचन होता है, दो तरीके से डाइजेशन का कार्य होता है, एक रासायनिक पाचन होता है, एक यांत्रिक पाचन होता है। और मैंने आपको यह बता दिया था कि रासायनिक पाचन में लार ग्रंथियां भाग लेती हैं, सलेवरी ग्लैंड्स भाग लेते हैं, और इन लार ग्रंथियों से निकलने वाले लार यानी कि सलाइवा भाग लेते हैं, क्योंकि इन सलाइवा में, इस लार में टायलिन नामक एंजाइम या लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि भोजन को पचाने में समर्थ होते हैं। ये पूरी बात हमने आपको समझा दिया था। आज हम बात करने वाले हैं यांत्रिक पाचन पर, कि ये भोजन का जो यांत्रिक पाचन होता है, ये जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है, इस मैकेनिकल डाइजेशन में मुख गुहा में टीथ एंड टंग यानी कि दांत और ये जिह्वा भाग लेते हैं, दांत और जिह्वा भाग लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यांत्रिक पाचन से, कि यांत्रिक पाचन के अंतर्गत पाए जाने वाले ये दांत और जिह्वा किस तरीके से पाचन की क्रिया को संपादित करने में सहायता करते हैं। अगर मनुष्य के दांत की विशेषताओं की बात किया जाए, ध्यान से समझते रहना एक एक पॉइंट को, सारे बिंदुओं को हम एक साथ में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम टीथ की बात करें यानी कि दांत की बात करें, तो दांतों के संबंध में कहा गया है कि मनुष्य एक विषम दंती और मनुष्य एक द्विबार दंती प्राणी होता है, और मनुष्य एक द्विबार दंती प्राणी होता है। इन तीनों शब्दों के अगर आपने मायने समझ लिए तो आपने दांतों के आधार पर मनुष्य कैसा प्राणी है ये आप समझा लेंगे। मनुष्य एक गर्त दंती प्राणी है, गर्त का मतलब होता है गड्ढे। मनुष्य के जो दांत होते हैं वो एक जबड़े नुमा एक संरचना में, एक गड्ढे में स्थित होता है, इसी वजह से मनुष्य को कहा गया है मनुष्य एक गर्त दंती प्राणी है। मनुष्य एक विषम दंती प्राणी है, विषम दंती का मतलब क्या होता है, विषम दंती का मतलब ये होता है कि मनुष्य के जो दांत होते हैं वो सम प्रकार के नहीं है, एक जैसे नहीं है, विषम प्रकार के पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको विषम दंती प्राणी कहा जाता है। विषम दंती का मतलब हुआ कि कोई नुकीला है, कोई चपटा है, कोई अत्यधिक मोटा है, इसी वजह से कहा गया है कि मनुष्य एक विषम दंती प्राणी होता है। और मनुष्य एक द्विबार दंती प्राणी है, द्विबार दंती का मतलब है कि मनुष्य के ये जो दांत हैं पूरे जीवन काल में कितनी बार निकलते हैं, पूरे जीवन काल में दो बार निकलते हैं। क्या सभी दांत पूरे जीवन काल में दो बार निकलते हैं? नहीं।
कौन कौन से दांत निकलते हैं, कौन कौन से नहीं, अभी उस पर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, आगे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए यह समझ लीजिएगा कि मनुष्य कि ये जो दांत होते हैं, दांतों के आधार पर मनुष्य को एक गर्त दंती प्राणी कहा गया है, एक विषम दंती प्राणी कहा गया है और एक द्विबार दंती प्राणी कहा गया है। ये बात आपको विधिवत ढंग से समझ में आ जानी चाहिए। अब अगर दांत की संरचना पर हम बात करें कि मनुष्य का ये जो दांत है वो दिखता कैसा है, मनुष्य के अगर हम दांतों की बात करें कि मनुष्य के ये जो दांत होते हैं ये दांत दिखता कैसा है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं इस एनाटोमी को। आम तौर पे याद रख लीजिएगा, आप दांत के विषय में सीखते तो हैं, पढ़ते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन जब गहराई में सवाल पूछा जाता है तो थोड़ा सा आप असहज हो जाते हैं। तो ध्यान से हर एक चीजों को पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करिएगा। दांत का ये जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है, जो चमकदार होता है, व्हाइटिश कलर का होता है, जब आप मुस्कुराते हैं या अगला मुस्कुराता है तो जो आपको दिखाई देता है या अगले को जो दिखाई देता है, वो दांत का कौन सा हिस्सा होता है, उस हिस्से का नाम होता है इनेमल। उस हिस्से का नाम क्या होता है, इनेमल नाम होता है, इनेमल। तो पहला हिस्सा जो आपको दिख रहा है उस पहले हिस्से का नाम क्या हो गया, इनेमल नाम हो गया, इनेमल। इनेमल दांत का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बाहरी आवरण है। दूसरा हिस्सा जो आपको दांत में दिख रहा होगा उस दूसरे हिस्से को नाम दिया जाता है डेंटाइन। क्या नाम दिया जाता है, डेंटाइन। दूसरे हिस्से का नाम होता है डेंटाइन। ये भी दूसरा भी हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। और डेंटाइन के बाद जो तीसरा हिस्सा आपको दिख रहा है ये है पल्प, है ना, ये है पल्प, या इसी को हम पल्प कैविटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पल्प कैविटी के नाम से जानते हैं, पल्प कैविटी के नाम से जानते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि ये कैविटी क्यों शब्द प्रयोग किया जाता है, अभी मैं उस पर बात करूंगा। तो कुल मिलाकर दांत के यही तीन महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। इसके बाद ये दांत पूरी तरह से मसूड़ों के अंदर धंसा होता है। ये तीन ही ऐसे हिस्से होते हैं जो दांत के सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से पहला इनेमल हो जाएगा, दूसरा डेंटाइन हो जाएगा और तीसरा क्या होगा, पल्प कैविटी। इनेमल के विषय में खास बात क्या है, अगर इनेमल के विषय में सबसे खास बात जानना हो तो याद रख लीजिएगा कि इनेमल वह संरचना होती है जो कि मानव शरीर की सबसे कठोरतम संरचनाओं में से एक है। अगर सवाल यह पूछा जाए, अगर सवाल ये बने कि ये बताइए कि मानव शरीर की सबसे कठोर संरचना कौन सी होती है, तो सबसे कठोरतम संरचनाओं में, सबसे कठोरतम संरचनाओं में याद रख लीजिएगा, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे कठोरतम संरचनाओं में, सबसे कठोरतम संरचनाओं में अगर बात किया जाए तो सबसे कठोरतम संरचनाओं में इनेमल होता है। इससे कठोर और कुछ भी नहीं पाया जाता है मानव शरीर में। लेकिन मानव क्या करता है, इनेमल को भी घिसने का प्रयास करता है। ये सबसे कठोर तो है, लेकिन याद रख लीजिएगा, आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि रसरी आवत जात से सिल्पर पड़त निशान, अर्थात रस्सी बार बार जब घिसती है एक पत्थर को तो है पत्थर, लेकिन बार बार आने जाने से उस पत्थर में भी निशान पड़ जाता है, वो पत्थर भी घिसने लगता है। अर्थात अगर बार बार अभ्यास किया जाए तो किसी भी चीज को नेस्तनाबूत किया जा सकता है, कहने का मर्म यह है। ठीक उसी प्रकार से यह इनेमल होता है। जब हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं जो कि इनेमल के लिए मुफीद नहीं माना जाता, जैसे हम सही तरीके से ब्रश ना करें, भोजन वहीं पर दांतों में हमारे पड़ा रहे, या फिर विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों का सेवन करते हैं, गुटखा खाएंगे, खैनी खाएंगे, तंबाकू खाएंगे, तो उससे क्या होता है, ये इनेमल को धीरे 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 करके ये घिसने लगता है। लेकिन सबसे मजे की बात ये होती है कि इनेमल जो कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम हिस्सा होता है, इस इनेमल के घिसने पर भी हमको तनिक भी एहसास नहीं होता है। एहसास न होने के पीछे लॉजिक क्या है, एहसास न होने के पीछे ये लॉजिक होता है कि इस इनेमल में
नर्वस सिस्टम नहीं पाए जाते, तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती। तो दो बातें खास हैं इस इनेमल के संदर्भ में, दो बातें खास हैं इस इनेमल के संदर्भ में। पहली बात तो आपने ये सीख लिया कि ये इनेमल जो होता है यह मानव शरीर का सबसे कठोरतम हिस्सा है, सबसे कठोरतम हिस्सा है। और दूसरी बात आपने ये समझ लिया कि ये इनेमल वह हिस्सा होता है जिसमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता या जिसमें तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती। तंत्रिकाएं नहीं पाई जाने से लाभ क्या होता है या हानि क्या होती है या तंत्रिका शब्द क्या, समझाने का प्रयास कर रहा है। तंत्रिका वह संरचना होती है जो हमारे शरीर में जितनी भी फीलिंग्स हैं, जितनी भी भावनाएं हैं या जितनी भी संवेदनाएं हैं, उन सभी संवेदनाओं के लिए जो तंत्र हमारे शरीर में जिम्मेदार होता है, उसी तंत्र का नाम होता है नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। आप बाल कटवाते हैं तो बाल कटवाने पे दर्द की अनुभूति क्यों नहीं होती है? बाल कटवाने पे दर्द की अनुभूति इस वजह से नहीं होती है क्योंकि बाल में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, तंत्रिकाओं का अभाव है। नाखून जब आप काटते हैं तो नाखून काटने पे दर्द की अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि यहां पे भी तंत्रिकाओं का अभाव होता है। लेकिन थोड़ी सी कच से कट जाए अगर उंगली तो फिर क्या होगा? तो फिर आप दर्द से कराह उठते हैं। क्यों करा उठते हैं? क्योंकि वहां पे तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इसी वजह से जब इनेमल घिसता जाता है, घिसता जाता है, घिसता जाता है, तो हमें इस बात का आभास नहीं होता है कि इनेमल घिस रहा है हमारा। याद रख लीजिएगा, इनेमल घिसते घिसते एक समय ऐसा आता है कि फिर दूसरा नंबर लग जाता है किसका? डेंटाइन का। डेंटाइन जो कि हमारे दांत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और जिसके निर्माण में, हालांकि इन दोनों के निर्माण में कैल्शियम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैल्शियम के संदर्भ में याद रख लीजिएगा, कैल्शियम तीन स्थानों पर प्रयोग होगा पूरे बायोलॉजी में, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण सवाल के रूप में पूछा जाएगा। पहला कि रुधिर के स्कंदन में कौन सा तत्व सहायता करता है? तो कैल्शियम करता है। दूसरा सवाल यह बनेगा कि दांतों के निर्माण में कौन सा सहायता करता है? कैल्शियम। और अस्थियों के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? तो वो भी उत्तर हम करेंगे, कैल्शियम। तो बायोलॉजी में कैल्शियम के ये तीन उपयोग याद रख लीजिएगा, ये तीन उपयोग से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। तो याद रख लीजिएगा, डेंटाइन और इनेमल इन दोनों के निर्माण में कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और डेंटाइन के संदर्भ में भी ये बात याद रख लीजिएगा कि डेंटाइन में भी तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती हैं, यहां पर भी नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, यानी कि जब इस डेंटाइन को भी नुकसान पहुंचेगा तो हमको इस बात की अनुभूति नहीं होगी, हमको इस बात की अनुभूति नहीं होगी, यह भी बात याद रख लेना। अब इनेमल नुकसान हो चुका है, डेंटाइन भी घिस चुका है, और जैसे ही तीसरे नंबर पे नंबर लगता है, तीसरे नंबर कौन सा? यानी कि पल्प का। तो जैसे ही पल्प पर संक्रमण होना शुरू होता है या जैसे पल्प का नंबर लगता है, पल्प की खास बात यह होती है कि इस पल्प कैविटी में तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इस पल्प कैविटी में क्या होती हैं? तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। और जैसे ही तंत्रिकाओं के संपर्क में, भाई ये स्थान क्या हो चुका है? ब्लैंक हो चुका है। यह स्थान क्या हो चुका है? खाली हो चुका है। तो जब कोई भोजन का टुकड़ा आता है, जब कोई भोजन का टुकड़ा आता है, तो ये भोजन का टुकड़ा आसानी से इनेमल को छेदते बेदते, डेंटाइन को छेदते बेदते कहां प्रवेश कर जाता है? इस पल्प कैविटी में। और जैसे ही ये उसके संपर्क में आता है, तुरंत आप दर्द के मारे कराह उठते हैं, तुरंत चिल्लाने लगते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि कैविटी हो गया है। डॉक्टर कहता है क्या हो गया? कैविटी हो गया है। इलाज जब आप पूछने का प्रयास करते हैं तो डॉक्टर साहब इलाज देते हैं कौन सा? आरसीटी। कहते हैं कि इस दांत का क्या करना पड़ेगा? इस दांत का हमको आरसीटी करनी पड़ेगी। आरसीटी का मतलब क्या होता है? आरसीटी का मतलब होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आरसीटी का मतलब होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो आरसीटी करनी पड़ेगी। तो आरसीटी में क्या करेंगे डॉक्टर साहब? आरसीटी में डॉक्टर साहब को करना कुछ नहीं है, इस पूरे जो भी इनेमल या डेंटाइन का नुकसान हुआ है, जहां पर भी ये होल या छिद्र बना हुआ है, वहीं पर कैल्शियम को पुनः भर देंगे।
और कैल्शियम को जब पुनः भर देंगे तो ये जो भोजन या पानी जो आ रहा था इधर, अब उसकी कनेक्टिविटी कट जाएगी और आसानी के साथ हम पुनः भोजन करने लगेंगे बिना दर्द से कराहे हुए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि दांत की ये एनाटोमी के विषय में आपको इतनी बातें याद रख लेना है कि इनेमल, डेंटाइन, पल्प कैविटी तीन हिस्से होते हैं। इनेमल में तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती, डेंटाइन में भी तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती, पल्प कैविटी में तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इनेमल डेंटाइन के घिसने के पश्चात जब पल्प कैविटी में संक्रमण होता है तो डॉक्टर के द्वारा रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है, RCT किया जाता है। और मानव शरीर की जो सबसे कठोरतम संरचना है उस संरचना का नाम क्या होता है? उस संरचना का नाम होता है इनेमल, जो कि हमारे दांत का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि विज्ञान की वह कौन सी शाखा है, विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है, तो याद रख लीजिएगा उस शाखा का नाम होता है ओडोंटोलॉजी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं दंत विज्ञान। ओडोंटोलॉजी वह विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत हम दांतों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ओडोंटोलॉजी मतलब क्या होता है? दंत विज्ञान याद रख लीजिएगा। यहां पर यह लॉजी बड़े काम की चीज है, मैं बार बार बोलता हूं, लॉजी से एक सवाल जरूर बनते हैं। तो कहीं भी अगर आपको लॉजी दिख जाए तो तुरंत आपके दिमाग में एक प्रतिबिंब बनना चाहिए कि नहीं इसको हम याद कर ले। जैसे कुछ और लॉजी में यहां पे बता दे रहा हूं, नोट करके लिखते चलेंगे। जैसे एक सवाल बनता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, माइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, बताते चलेंगे। एक होता है जिसका मतलब होता है फाइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। एक सवाल और बहुत पूछता है, वो क्या है? हिस्टोलॉजी। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है, हिस्टोलॉजी। एक सवाल और पूछा जाता है साइटोलॉजी। एक और होता है, पूछा जाता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है, हीमेटोलॉजी। एक और सवाल पूछता है, हीमेटोलॉजी हो गया। एक होता है जिसको बोलते हैं हिपैटोलॉजी, है ना, हिपैटोलॉजी। तो हिपैटोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक होता है नेफ्रोलॉजी, उसका मतलब क्या होता है? ठीक है। एक होता है ऑप्थैल्मोलॉजी। ये सारे के सारे सवाल कई बार आपकी परीक्षाओं में बने हैं, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप पेपर उठाकर देखिएगा, आपके पेपर में बहुत ढेर सारे सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। एक सवाल पूछता है एंजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये सब विज्ञान और खास करके बायोलॉजी की शाखाएं होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अन्य की, तो माइकोलॉजी का मतलब होता है कवक विज्ञान। माइकोलॉजी का मतलब होता है कवक विज्ञान। फाइकोलॉजी का मतलब याद रख लेना, फाइकोलॉजी का मतलब होता है शैवाल विज्ञान, ऐसा विज्ञान जिसमें हम एल्गी का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी ऊतक का अध्ययन, या आप इसको बोल सकते हैं ऊतक विज्ञान, या ऊतक विज्ञान को औतिकी भी कहा जाता है, औतिकी, ठीक है, औतिकी भी हम कह सकते हैं, है ना। इसके बाद साइटोलॉजी मतलब है स्टडी ऑफ सेल, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कोशिका विज्ञान, इसको आप कह सकते हैं कोशिका विज्ञान। और हिमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? हिमेटो का मतलब होता है रुधिर विज्ञान, है ना, जिसमें हम रुधिर का अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं हिमेटोलॉजी। एंजियोलॉजी का मतलब होता है जिसमें हम ब्लड वेसल्स का अध्ययन करते हैं, यानी कि रुधिर वाहिनियों का अध्ययन करते हैं, है ना, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिनियों में कौन सी वाहिनियां? धमनी और क्या? सिरा। जिसमें हम धमनी और सिरा यानी आर्टरी और वेन्स का अध्ययन करते हैं वो शाखा क्या कहलाती है? वो एंजियोलॉजी कहलाती है। हिपैटोलॉजी का मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लीवर का अध्ययन करते हैं, है ना, लीवर यानी कि यकृत का अध्ययन करते हैं, यकृत विज्ञान कह सकते हैं। हीपा शब्द कहीं भी लग गया तो याद रख लेना हीपा का मतलब ही होता है
यकृत, हीपा का मतलब ही क्या होता है, यकृत, लीवर। नेफ्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किडनी का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ किडनी, यानी कि आप बोल सकते हैं वृक्क विज्ञान, है ना, गुर्दा विज्ञान, वृक्क विज्ञान, वृक्क विज्ञान को या वृक्क का जो अध्ययन किया जाता है वो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत। और ऑप्थैल्मोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आंखों का अध्ययन करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि नेत्र विज्ञान, नेत्र विज्ञान जो है ऑप्थैल्मोलॉजी होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत दांत, यानी कि ओडोंटोलॉजी, लेकिन याद रख लीजिएगा ये सारी की सारी बातों को भी आप नोट डाउन करते चलेंगे। देखो पढ़ने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, उस चीज को समझो ध्यान से। पढ़ते बहुत ढेर सारे लोग हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होता है, तो उस चीज को पहचानने की कोशिश करो, उस चीज को जानने की कोशिश करो कि वह कौन सी चीज है जो आपको सेलेक्ट करवाएगी। पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं होता है, अगर पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है तो सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाता, कोई बेरोजगार ही नहीं रहता। जाहिर सी बात है कि वे लोग जो सफल होते हैं उनके पढ़ने के तरीके में और वे लोग जो पढ़ के असफल हो जाते हैं उनके पढ़ने के तरीके में एक जमीन आसमान का अंतर होगा। जो असफल होते हैं उनके पढ़ने के तरीके में, सलीके में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष होगा, और वो दोष क्या है उस दोष को ही समझना पड़ेगा आपको। अगर वो दोष आपने समझ लिया तो निश्चित रूप से आप बहुत बेहतरीन कंपटीटर हो जाएंगे। तो हमेशा इस बात पर जोर दिया करिए कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप कंफ्यूजन की स्थिति में आएंगे। पढ़ने का एक तरीका क्या है कि जो भी चीजें आपको, जैसे लॉजी आया तो लॉजी के बाद जो भी लॉजी है पढ़ा है आपने, वो सब कुछ दिमाग में एक बार घूम जाना चाहिए फटाक से, तब तो समझिएगा कि नहीं आपकी तैयारी बेहतर है, तब तो आप समझिएगा कि नहीं आपकी तैयारी बहुत शानदार है, नहीं तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। तो जो भी चीजें पढ़ो एकदम पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर रखो, सारी की सारी चीजें जो हैं बेहतरीन हो जाएंगी आपकी। तो मैं बात कर रहा था क्या, मैं बात कर रहा था अभी यहां पे इनेमल डेंटाइन पल्प कैविटी पे। मैंने कहा मनुष्य एक विषम दंती प्राणी होता है। मनुष्य एक विषम दंती प्राणी का मतलब क्या है, मनुष्य में विषम प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं समझिए, मनुष्य में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, चार। पहला जो होता है इसको हम बोलते हैं केनाइन, केनाइन। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं इनसीजर, और तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं प्रीमोलर, और चौथा होता है इसको हम बोलते हैं मोलर। तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, चार प्रकार के दांत होते हैं। पहला कौन सा है, ध्यान से समझते रहना, पहले को हम बोलते हैं कृंतक, पहले दांत को हम क्या बोलते हैं, कृंतक। दूसरे प्रकार के दांत को हम क्या बोलते हैं, दूसरे प्रकार के दांत को हम बोलते हैं रदनक, रदनक। तीसरे प्रकार के दांत को हम क्या बोलते हैं, अग्रचवर्णक, तीसरे प्रकार के दांत को हम बोलते हैं अग्रचवर्णक। और चौथे प्रकार के दांत को हम बोलते हैं क्या, चवर्णक बोलते हैं, चवर्णक। चौथे प्रकार के दांत को हम क्या बोलते हैं, चवर्णक बोलते हैं। कृंतक यानी इसी को बोला जाता है इनसीजर, इनसीजर इसे कहते हैं। और रदनक यानी कि इसे ही कहा जाता है केनाइन, और अग्रचवर्णक को ही बोलते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर। और चवर्णक को बोल सकते हैं मोलर। बिल्कुल इत्मीनान से ध्यान से मेरी बातों को बस केवल सुनते रहना, बाकी मेरी जिम्मेदारी रहेगी, मैं बार बार कहता हूं कि मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि सारी की सारी बातों को कैसे आपको समझाना है, कैसे आपको बताना है। कृंतक की बात करना प्रारंभ करते हैं, ध्यान सुनो। कृंतक जो होता है यानी कि जो इनसीजर होता है, इनसीजर की खास बात यह है कि इनसीजर वह संरचना होती है, वह संरचना होती है जो शाकाहारियों में सर्वाधिक विकसित होती है। याद रख लीजिएगा, कोई जानवर जो जितना शाकाहारी होगा, दांतों को देखकर भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा जानवर शाकाहारी हो सकता है, कौन सा जानवर मांसाहारी हो सकता है। तो शाकाहारी जीवों में, शाकाहारी जीवों में सर्वाधिक विकसित होने वाला दांत कौन सा होता है, अगर सवाल ये पूछा जाएगा तो उत्तर आप करेंगे कृंतक।
इनसीजर जिसको आप कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि हाथी के बाहर निकले हुए दांत, है ना, अगर सवाल ये पूछा जाए हाथी के बाहर निकले हुए दांत, हाथी के बाहर निकले हुए दांत, हाथी के बाहर निकले दांत किस प्रकार के दांत हैं, हाथी के बाहर निकले दांत किस प्रकार के दांत हैं, तो हमें नहीं लगता है कि अब आपको सोचने की आवश्यकता होगी। आसानी से आप समझा लेंगे कि सर हाथी के बाहर निकले हुए दांत ये इंसीजर ही होंगे, कृंतक ही होंगे, क्योंकि मांसाहारी थोड़ी ना होता है। याद रख लीजिएगा कि अगर सवाल ये बना कि मनुष्य में सबसे पहला कौन सा दांत निकलता है, सबसे पहला दांत, तो याद रख लीजिएगा इंसीजर निकलता है। इंसीजर सबसे पहला निकलने वाला दांत होता है, कृंतक होता है, और वो भी कौन सा इंसीजर, तो याद रख लेना निचला कृंतक, याद रख लेना निचला कृंतक, याद रख लेना निचला कृंतक, निचला इंसीजर। आपको आपने देखा भी होगा जब एक छोटे से बच्चा जब ये निचला कृंतक दांत निकलता है तो उसमें बड़ा क्यूट वो दिखाई देता है, सबसे पहले निकलने वाला दांत होता है इंसीजर। इसके बाद अगर सवाल ये बनेगा कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो याद रख लेना इसकी संख्या जो होती है ऊपर वाले जबड़े की बात किया जाए तो ऊपर वाले जबड़े में चार होती है, ऊपर वाले जबड़े में इसकी संख्या कितनी होती है, चार होती है। अभी कहां होती है, लोकेशन में समझा रहा हूं, दिखा रहा हूं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर पूछा जाए कि इसकी संख्या एक वयस्क मनुष्य में कितनी होती है तो आप बोलेंगे ऊपर चार पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है जो भी स्थिति ऊपर होगी ऊपर वाले जबड़े में होगी वही स्थिति हमारे नीचे जबड़े वाले में होगी, तो ऊपर चार नीचे चार यानी कि कुल मिला के बक्कल कैविटी में दांतों की संख्या आठ हो जाएगी। अभी मैं डेंटल फार्मूला पे आऊंगा तो अभी मैं उस पर बात करूंगा। अगर कोई पूछे कि इंसीजर दांत को और क्या विशेषता होती है, एक और एक सी विशेषता होती है, एक बार सवाल बना हुआ था कि स्माइलिंग टीथ किसे कहा जाता है, यानी कि जब आप मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराने के दौरान ये जो दांत दिखाई देता है वो दांत कौन सा होता है, तो वो दांत है इंसीजर। याद रख लीजिएगा उस दांत का नाम क्या है, इंसीजर है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो याद रख लीजिएगा कि ये एक सवाल ये भी पूछा गया था कि ये जो गिलहरी है या ये जो चूहे हैं, इन चूहे या गिलहरी के जो दांत निकले होते हैं वो दांत कौन से होते हैं, तो याद रख लीजिएगा वो भी इंसीजर दांत ही होते हैं। और चूहे और गिलहरी के दांत की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इनके दांत पूरे जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, यानी कि जब तक उनका जीवन काल है तब तक ये दांत बढ़ते रहते हैं। आपको लगता होगा कि कभी कभी आप बहुमूल्य कपड़े खरीद कर लेके आते हैं और जैसे ही आप शादी विवाह के दिन में नहा धोकर क्रीम पाउडर लगाकर जैसे ही आप कपड़े पहनने वाले होते हैं और वो आप कपड़े उठाते ही हैं तब तक आप देखते हैं कि वो चूहे ने, कुछ शरारती चूहे ने एक्चुअली आप कहेंगे कि वो आपके कपड़ों को कुतर दिए हैं, तो वो कुतरने का जो कार्य है जो चूहे ने किया वो क्यों किया, क्या आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है उससे, नहीं, उससे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, वो इस वजह से वो चूहे कपड़ों को काटता है या वस्तुओं को कुतरता है कि कुतरने से या काटने से उसके दांत घिस जाते हैं और दांत घिसने का परिणाम यह होता है कि दांत छोटे हो जाते हैं और दांत छोटे होने का परिणाम यह होता है कि उसका अस्तित्व बेचारे का बच जाता है। अगर वो दांत को न घिसे, सोचो अगर मनुष्य के दांत बढ़ते जाते, ऊपर वाला दांत आए नीचे और नीचे वाला ऊपर जाए, तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि हमारा मुंह बंद हो जाएगा, तो हम भी अपने दांतों को काटने का कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं। अब ईश्वर ने तो उनको हाथ और पैर दिया नहीं है, इस वजह से वो वस्तुओं के ऊपर रगड़ रगड़ के कुतर कुतर के वो दांतों को क्या करते हैं, वो खिस देते हैं। तो अब से अगर कोई चूहा आपके बहुमूल्य वस्तुओं को कुतरे तो समझ जाइएगा कि आपने किसी जीव को जीवन दिया है। इसके अलावा अगर एक सवाल ये भी बन सकता है कि इसका कार्य क्या होता है, तो सिंपल सा कार्य है, आप बता सकते हैं कि इसका जो कार्य है कि ये भोजन को काटने में सहायता करता है, भोजन को काटने में सहायता करता है। अगर किसी चीज को काटना है
तो ये इंसीजर उसमें सहायता करता है। जैसे अगर सेब को अगर आपको कट करना है, काटना है, तो आप इसी दांत पे लेके जाते हैं। कहाँ पे ये दांत पाया जाता है, इसकी लोकेशन को देखिएगा। इसकी लोकेशन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसकी लोकेशन को आप देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इसकी लोकेशन को मैं दिखाता हूँ, हाँ ठीक है, ये देखिएगा। ये अब इस फिगर को ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए ये ऊपर वाला जबड़ा, ये नीचे वाला जबड़ा, ठीक है, नीचे वाला जबड़ा। ये मान लीजिए मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो ये इंसीजर है कहां पे, इसकी लोकेशन समझो। दो दांत, ये पहला दांत और ये दूसरा दांत, ये पहला दांत और ये दूसरा दांत, ये चार दांत जो होते हैं ऊपर और सेम स्थिति में चार दांत नीचे, यही जो दांत होते हैं इन्हीं को कहा जाता है कृंतक। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये मध्य वाला बिंदु है, ये मध्य वाला बिंदु है। तो ये पहला इंसीजर लिखा हुआ है सेंट्रल इंसीजर और दूसरा दिखा है लेटरल इंसीजर। तो ये दूसरे दोनों इंसीजर हो गए, ठीक है। दो इधर होंगे, दो क्या होंगे, इधर होंगे। शायद मेरी बातों को आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इस स्लाइड को मैं ऊपर ही कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। चलिए अब आगे बात करते हैं। दूसरी बात हम करते हैं केनाइन की, ठीक है। केनाइन दांत की अगर विशेषताओं की बात किया जाए, कि रदनक दांत के क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो पहली विशेषता तो ये होती है कि ये जो दांत होता है ये मांसाहारियों में ज्यादा विकसित अवस्था में पाया जाता है। कोई जीव कितना मांसाहारी है इसको आप केनाइन दांत से पहचान सकते हैं। जो जीव जितना ज्यादा मांसाहारी होता है उसके केनाइन दांत उतने ही विकसित अवस्था में पाए जाते हैं, उतने ही लंबे चौड़े पाए जाते हैं। कभी शेर को मांस खाते हुए आपने देखा होगा, सामने से नहीं, डिस्कवरी पे देखिए, रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जब वो मांस खाता है तो आप देखे होंगे ध्यान से कि वो अपनी गर्दन को झुका लेता है ऐसे, है ना, या कभी मुंह खोलता है तो आप देखिए यही दांत इसके बाहर निकले रहते हैं, है ना। या फिर कभी आप अगर जो भी ऑडियंस, जो भी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नॉनवेज खाते होंगे, कभी आपने लेग पीस खाया होगा तो इस बात को फील जरूर किया होगा कि आप लेग पीस को ऐसे रख के नहीं खाते, आप इसको इधर लेकर जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये इंसीजर है, केनाइन इधर है, केनाइन इधर है, जो भोजन को क्या करेगा, चीरने फाड़ने का कार्य करता है। तो भोजन को याद रख लेना, भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य, ये कार्य कौन करता है, ये रदनक करता है, ये कार्य कौन करता है, ये केनाइन कार्य करता है, याद रख लीजिएगा। और ये केनाइन है कहां पर, अगर इसके लोकेशन की हम बात करें तो ये दो इंसीजर जो आधे में है उसके जस्ट बगल में जो सबसे नुकीला दांत होता है, एक नुकीला दांत इधर, ये जो नुकीला दांत होता है ये दांत केनाइन होता है। आप फिगर में देख सकते हैं इसी इंसीजर के बगल में एक नुकीला जो थोड़ा सा अपेक्षाकृत अन्य दांतों से लंबा होगा वो क्या होता है, वो केनाइन होता है। केनाइन की संख्या ऊपर वाले जबड़े में कितनी होती है, दो होती है, ठीक है। मैं ऊपर वाले जबड़े को ही काउंट कर रहा हूं, कृंतक जैसे ऊपर वाले जबड़े में चार, वैसे केनाइन के विषय में याद रख लीजिएगा कि केनाइन जो होता है ऊपर वाले जबड़े में क्या होता है, दो होता है। लोकेशन कहां पर है, कृंतक के जस्ट बगल में एक एक पाए जाते हैं। और भोजन को ये चीरने और फाड़ने का कार्य करेंगे। मांसाहारी जीवों में ये ज्यादा विकसित अवस्था में होते हैं। शेर के देखेंगे, चीता को देखेंगे, बिल्ली को आप देख लीजिएगा, कुत्ते को आप देख लीजिएगा, तो अपेक्षाकृत ये दांत उनके ज्यादा विकसित अवस्था में होते हैं। तो ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। इसी वजह से मनुष्य भी जब मांस भक्षण करता है तो वो इस दांत का प्रयोग ज्यादा करता है, इस दांत का उपयोग वो ज्यादा करता है, याद रख लीजिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो ये जो अग्र चवर्णक होता है इसका याद रख लीजिएगा, ये भोजन को चबाने का कार्य करता है, और ये जो मोलर होता है ये भोजन को पीसने का कार्य करता है, है ना। एक जो मिक्सचर होता है ना,
वो बिल्कुल ठीक दांत के पैटर्न पे, ये जो चबाने का कार्य है ये प्रीमोलर करेगा और ये पीसने का कार्य मोलर करेगा। कभी आपने च्युइंगम चबाया है, तो च्युइंगम चबाया होगा तो आपने किस दांत का प्रयोग किया होगा? विज्ञान को समझो, फील करो, महसूस करो। जितना विज्ञान शरीर के भीतर जाएगा उतना ही आप आसानी से सारी की सारी चीजों को समझेंगे बेहतर ढंग से। तो जब च्युइंगम आप चबाते हैं तो आप हमेशा प्रीमोलर के पास लेके जाते हैं उसको। कभी आपने इंसीजर का प्रयोग कर किया या केनाइन का प्रयोग? नहीं, आप हमेशा उसको प्रीमोलर के पास लेके गए। और ठीक उसी प्रकार से जब उसको चबाना होता है किसी भी चीज को खूब अच्छे तरीके से, तो आप उसको लेके चले जाते हैं कहां पे? चवर्ण के पास। ठीक है, तो चबाने का कार्य मोलर और पीसने का कार्य मोलर करता है। अब यहां पे अगर इसकी बात करें तो याद रख लीजिएगा कि इसके जस्ट दो बगल में इधर प्रीमोलर पाया जाता है और जस्ट बगल में इधर दो दांत पाए जाते हैं प्रीमोलर। तो प्रीमोलर की जो संख्या होती है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा नजदीक आ गया है, प्रीमोलर की जो संख्या होती है याद रख लीजिएगा, दो इधर यानी कि संख्या टोटल अगर बात किया जाए तो प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? प्रीमोलर की संख्या भी हो गई 4। और मोलर की संख्या कितनी होती है? मोलर की संख्या होती है 6। मोलर की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कैसे 6 होती है जरा सा समझ लीजिए, ये 6 कहां पे पाए जाते हैं? मोलर की जो संख्या होती है वो 6 होती है। आखिरी के ये जो 3 दांत होते हैं, ये आखिरी के जो 3 दांत होते हैं, आखिरी के 3 दांत इधर और आखिरी के जो 3 दांत होते हैं इधर, आखिरी के जो 3 दांत होते हैं इधर, ये रहा 3 दांत। ठीक है, तो ये 3-3 यानी कि टोटल मिलाकर कितने दांत? 6 दांत जो होते हैं, ये दांत कौन से दांत होते हैं? ये मोलर दांत होते हैं। अगर जरा आप काउंट करके देखेंगे समझेंगे तो आप पाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 दांत इधर हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 दांतों पर, 16 दांत नीचे, 16 कितने हो गए? 32 दांत। आप कहते हैं वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है। इनकी लोकेशन आपको मैंने विधिवत बता दिया। इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर में केवल और केवल आधे हिस्से का चित्र दिया गया है। ठीक है, आधे हिस्से का चित्र दिया गया है, यानी ये आधा हिस्सा देखो, आधे हिस्से, ठीक, इसको आधे हिस्से को बांट लो, ये रहा आधा। ठीक है, केवल इस हिस्से को दिखाया गया है। ये दो इंसीजर यहां पे देख लो, दो इंसीजर हो गया। इसके बाद देखो एक केनाइन है, देखो एक केनाइन है। इसके बाद देखो दो प्रीमोलर है, दो प्रीमोलर आप लोग को लिख सकता है, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, और 3 जो है मोलर दिया गया है। तो यही लिखा गया है देखो यहां पे कि फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर। ठीक है, ये 3 मोलर लास्ट के हो गए। तो मनुष्य में इस प्रकार के दांत व्यवस्थित क्रम में पाए जाते हैं। आशा करूंगा कि अब ये चीजें आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी, आशा करूंगा कि ये चीजें अब आपको परेशान नहीं करेंगी, अच्छे ढंग से आप सारी चीजों को समझे होंगे। यहां पे एक बात और ध्यान से समझना, बेहतर ढंग से समझना। अब यहां पे दांत कितने प्रकार के होते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, वो आपने समझ लिया। एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है, 5 वर्ष से कम बच्चे का दंत सूत्र क्या होता है, और ये बुद्धि दांत यानी कि ये जो अक्ल दांत होता है वो कौन सी बला है। तो थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को भी, ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को भी समझने का प्रयास हम करते हैं। देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करने का प्रयास करूं, देखो अगर सवाल ये बना कि वयस्क मनुष्य का, अगर सवाल ये बना कि वयस्क मनुष्य का, वयस्क मनुष्य का मतलब हमारा आपका, अगर वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र अगर पूछा जाए, एडल्ट का अगर डेंटल फार्मूला पूछा जाए वयस्क का, तो वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है 21-23, 2-1-2-3। 2-1-2-3 क्या है सर? आप इस तरीके से जानिए, इंसीजर, इंसीजर 2/2 होता है। समझ में नहीं आया होगा जिनको पहली बार देख रहे होंगे, ध्यान समझो, इंसीजर 2/2, केवल डेंटल फार्मूला में आधे हिस्से की बात किया जाता है, आधे हिस्से की, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो आधे हिस्से में इंसीजर कितना पाया गया? 2 ऊपर पाया गया और 2 क्या होगा? नीचे होगा। तो यही मैंने 2/2 लिखा, 2 ऊपर 2 नीचे। केनाइन
आधे हिस्से में कितना पाया जा रहा है, एक, तो आप लिख लेंगे एक ऊपर और एक क्या होगा नीचे, तो केनाइन एक बटा में एक। प्रीमोलर क्या होता है, प्रीमोलर देखो प्रीमोलर कितना है, दो है, प्रीमोलर कितना है, दो है, तो आप क्या लिख सकते हैं, दो बटे में क्या, दो। और मोलर कितना होता है लास्ट में, तीन होता है, तो तीन बटे में क्या, तीन। यही वयस्क मनुष्य का डेंटल फार्मूला होता है, 2 1 2 3, क्या होता है, 2 1 2 3, यही फार्मूला होता है एक वयस्क मनुष्य का, 21 23। क्यों, क्योंकि 2 1 3 3 और 2 कितना हो गया, 5 6 7 8 हो गया, इधर हिस्से में 8, इधर हिस्से में क्या होगा 8, तो 8 × 2 यानी कि बराबर 16, इधर भी नीचे आएंगे तो 8 × 2 = 16, यानी कि एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कुल कितनी हो गई, 32 हो गई, टोटल कितनी हो गई, 32 हो गई। ठीक है, तो यह बात आपने समझ में आ गया होगा। अब एक बात और समझना, अगर 5 वर्ष से कम बच्चे का दंत सूत्र पूछे, अगर पांच वर्ष से कम बच्चे का दंत सूत्र पूछे, यानी कि मैं कुल मिला के बात करने चल रहा हूं मिल्की टीथ पर, है ना, मैं बात करने चल रहा हूं मिल्की टीथ पर, यानी कि मैं बात करने चल रहा हूं दूध के दांत पर, है ना, दूध के दांत जो कि टूट जाते हैं। जो ये जो सवाल बनता है ये इसी के संदर्भ में पूछा जाता है कि मनुष्य में ऐसे कितने दांत होते हैं जो पूरे जीवन काल में दो बार निकलते हैं, यानी एक बार निकलते हैं जब हमारे आपके दांत निकले होंगे तो कहते हैं ना कि ये दूध के दांत हैं। तो अभी पीछे आपको मैंने मनुष्य के दांतों की विशेषताओं को समझाते हुए इस बात को समझाया कि मनुष्य एक द्विबार दंती प्राणी होता है, यानी कि मनुष्य के जो दांत होते हैं वो पूरे जीवन काल में कितनी बार निकलते हैं, दो बार निकलते हैं। मनुष्य के ये जो दांत होते हैं पूरे जीवन काल में कितनी बार निकलते हैं, दो बार निकलते हैं। लेकिन क्या सभी दांत दो बार निकलते हैं, नहीं। तो 5 वर्ष से कम बच्चे का दंत सूत्र देखेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। 5 वर्ष से कम दंत बच्चे का दंत सूत्र देखेंगे, देखिए एक छोटा बच्चा जो होता है उसमें इंसीजर और हमारे इंसीजर में कोई अंतर नहीं होता, यानी कि 2/2 होता है, कोई भी अंतर नहीं, सेम ठीक उसी प्रकार से। केनाइन की बात करेंगे तो केनाइन जो होता है वो क्या होता है, 1/1 होता है, 1/1। प्रीमोलर जो होता है याद रख लीजिएगा वो नहीं पाया जाता, यही बात आपको याद रख लेनी है कि 1 5 वर्ष से कम बच्चे के अगर बात किया जाएगा तो याद रख लीजिएगा कि उसमें प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते हैं, उसमें अग्रचवर्णक नहीं पाए जाते हैं, अग्रचवर्णक का अभाव होता है। सवाल बनेगा, पूछा जाएगा कि 5 वर्ष से कम बच्चे में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कि 5 वर्ष से कम बच्चे में ये दांत नहीं पाया जाता, प्रीमोलर बिल्कुल अनुपस्थित होता है। और अगर मोलर की बात किया जाता है तो याद रख लेना एक कम कर दीजिएगा, जैसे 3/3 वयस्कों में है तो 2/2 कर दीजिएगा, यानी कि आधे जबड़े की बात किया जाता, 2 1 3 और 3 2 कितना हो गया, 5, कितना हो गया, 5, 5 × 2 दोनों तरफ का बात करेंगे, यानी कि 10 इधर, ठीक उसी प्रकार से 5 × 2 नीचे भी करेंगे तो 10 इधर, तो टोटल दांतों की जो संख्या निकल कर सामने आई, वो दांतों की संख्या निकल कितनी सामने आई, 20 आई, यानी कि एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत और एक 5 वर्ष से कम बच्चे में दांत कितने पाए जाते हैं, 20 दांत। ये 20 ही दांत हैं जो मिल्की टीथ हैं, ये वही दांत हैं जो अस्थाई नहीं है, वो गिर जाएंगे आगे चल के, इसी वजह से इन 20 दांत को अस्थाई दांत कहा जाता है, इम्परमानेंट टीथ कहा जाता है। सवाल पूछा जाता है कि मनुष्य में अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, या मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, या 5 वर्ष से कम बच्चे में दांतों की संख्या कितनी होती है, सबका उत्तर क्या है, 20 है। तो दो सवाल यहां पे बहुत शानदार पूछा जाता है कि मनुष्य में अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, तो अस्थाई दांतों की संख्या होती है 20। ये वही 20 हैं जो आगे चलकर टूटेंगे, ये वही 20 हैं जिनको हम दूध के दांत कहते हैं, ये वही 20 हैं जो 5 वर्ष से कम बच्चे में निकलते हैं।
और वहीं पर अगर बात कर दिया जाए कि मनुष्य में अच्छा अस्थाई दांतों की संख्या इतनी, तो अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? अस्थाई दांतों की संख्या यानी कि ऐसे दांत जो पूरे जीवन काल में केवल एक बार निकलते हैं, तो 32 में से 20 जब अस्थाई हैं, तो इसका मतलब 12 दांत क्या होते हैं? अस्थाई दांत होते हैं। 12 दांत क्या होते हैं? अस्थाई दांत होते हैं। ये ऐसे दांत होते हैं जो पूरे जीवन काल में केवल और केवल कितनी बार निकलते हैं? केवल और केवल एक बार निकलते हैं। तो ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां पे एक बात और मैं समझाना चाहूंगा दांतों के संदर्भ में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पूछा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर आपने ये समझ लिया कि वयस्क मनुष्य में टोटल कितने दांत पाए जाते हैं? 32। टोटल कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं। लेकिन आप लोगों के पैरों तले ये जमीन खिसकने वाली है आगे आने वाले बातों से। बात यह है कि आप में से जितने भी ऑडियंस मुझको देख रहे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं, तो याद रख लीजिएगा इसमें से लगभग 60% लोग ऐसे हैं जिनमें 32 दांत हैं ही नहीं। आज आप काउंट करके देखिएगा, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में हैं, आप काउंट करके देखिएगा, आप में 32 दांत नहीं है। कितने दांत होंगे? 28 दांत होंगे, काउंट करिएगा। और जिनके पास 32 दांत होंगे उनको जरूर इस बात की जानकारी होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैं बात करूंगा। देखो, ध्यान समझो, यहां पे क्या लॉजिक है समझो। ये ऊपर वाला जबड़ा, ये नीचे वाला जबड़ा, ठीक है? ध्यान समझना, आखिरी में 3 दांत क्या पाए जाते हैं? मोलर पाए जाते हैं। पहला दूसरा तीसरा, ये 3 दांतों पे कंसंट्रेट करिएगा। यानी कि मैं मोलर पर कंसंट्रेट करा रहा हूं आपको, ठीक है? मोलर पर। ये जो मोलर होता है ये बड़े काम की है। देखो ध्यान से, ये मोलर जो आखिरी वाला मोलर होता है, यहां पे भी नीचे भी, ये जो आखिरी वाला मोलर होता है, इस आखिरी वाले मोलर को हम क्या नाम देते हैं? इस आखिरी वाले मोलर को हम विजडम टीथ कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ का मतलब क्या होता है? बुद्धि दांत। बुद्धि दांत, इसे को ही बुद्धि दांत कहा जाता है, या इसी को ही अक्ल दाढ़ कहा जाता है। ठीक है? क्या क्या विशेषताएं इसकी? पहली विशेषता सुनो, क्यों बुद्धि कहा जाता है, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कौन सा निकलता है? इंसीजर, अभी पीछे मैंने बताया, कृंतक। और सबसे बाद में निकलता है लास्ट वाला मोलर। मैं लास्ट मोलर की बात कर रहा हूं। ये कौन सा मोलर है? लास्ट मोलर। तो ये जो लास्ट मोलर होता है, इस लास्ट मोलर को विजडम टीथ का नाम देते हैं, बुद्धि दांत का नाम देते हैं, अक्ल दाढ़ का नाम देते हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो बुद्धि दांत है या अक्ल दाढ़ है, ये अपने जीवन में या मनुष्य के जीवन में सबसे बाद में निकलता है। लगभग 13 से 14 साल की उम्र में जब बच्चा पहुंचता है, तो उस समय सबसे आखिरी में निकलने वाला दांत होता है। और ये माना जाता है कि जब ये निकलता है, तो 13-14 साल में मनुष्य को ठीक ठाक बुद्धि आ जाती है। इसी वजह से इसको बुद्धि दांत कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। और मैं इस वजह से कह रहा हूं कि सबको याद होगा, क्योंकि जब ये निकलता है 13 साल में, तो उससे पहले मसूड़ों ने उसके ऊपर कवरिंग बना लेती है, तो उन मसूड़ों को फाड़ कर ये बाहर निकलता है, तो असहनीय दर्द होता है। आसपास पड़ोस वाले जरूर इस बात को जान जाते हैं कि नहीं, बच्चे में विजडम टीथ निकल रहा है, बुद्धि दांत निकल रहा है। तो याद रख लेना, सबसे आखिरी में निकलने वाला ये दांत है। और याद रख लेना कि ये जो दांत है, ये मनुष्य का एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब होता है वेस्टेजियल ऑर्गन। वेस्टेजियल ऑर्गन का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गन, ऐसे अंग, ऐसी संरचना हमारे शरीर में जो कभी पहले कार्य करती थी,
लेकिन जब मनुष्य ने उनका उपयोग करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे वो डार्विन के अनुसार वो विलुप्त होना शुरू हो गई। मनुष्य में पहले पूंछ हुआ करती थी, आज भी पूंछ है, लेकिन वो वेस्टेजियल ऑर्गन के रूप में है। ये पिन्ना कान का, ये क्या है? ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है। तो मनुष्य में ऐसे अंग जो पहले भूतकाल में कभी कार्य करते थे लेकिन आज के समय में ये कार्य नहीं करते हैं, तो ऐसे अंग को हम अवशेषी अंग कहते हैं। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी एक प्रकार का अवशेषी अंग के रूप में काउंट किया जाता है। तो अवशेषी अंग धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। अब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, बहुत ढेर सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये विजडम टीथ पाया जाता है, बहुत ढेर सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें विजडम टीथ नहीं पाया जाता। तो जिनमें पाया जाता होगा उनके तो दांत 32 होंगे, लेकिन जिसमें ये विजडम टीथ नहीं पाया जाएगा यानी 1 2 3 4 यानी कि 32 में से फिर क्या होगा, 4 निकल जाएगा, यानी कि उनमें कितने दांत पाए जाते होंगे, 28 दांत पाए जाते होंगे। यानी कि आप में से बहुत ढेर सारे लोग जिन्होंने भी काउंट किया होगा जिनके भी दांत 28 निकले होंगे, याद रख लीजिएगा इस बात को कि इसका मतलब यह है कि उनमें विजडम टीथ नहीं पाया जाता है। और हैरानी परेशानी की कोई बात नहीं, वेस्टेजियल ऑर्गन का कोई भी कार्य हमारे शरीर में नहीं है, वो रहे चाहे ना रहे, उससे हमारे पाचन पे, हमारे डाइजेशन पे या हमारे फिजिकल मैकेनिज्म पर कोई भी प्रभाव, कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना कि ये दांतों से संबंधित मैंने बहुत ढेर सारी बातें आज के इस क्लास में बताई, और उससे अतिरिक्त आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है और ना ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की कड़ी पे बात करेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।